नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आप सभी जानते हैं कि टेक्नो एक के बाद एक स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में लॉन्च की जा रही है और आज कंपनी ने एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है टेक्नो कैमन IS और ये फ़ोन फेस अनलॉक के साथ आता है। यही लगता है कि इसकी USP है, इसलिए कंपनी ने इसके बॉक्स के ऊपर स्पेशली ये लिखा हुआ है। साथ साथ हमेशा की तरह इसमें भी आपको 100 डेज रिप्लेसमेंट, 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट और 1 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन है, ऐसा कंपनी का कहना है। पर anyway, आज मैं आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के इसके बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या कॉन्टेंट मिलता है। तो पहले मैं इसके बॉक्स को यहाँ पर काट लेता हूँ और ये बॉक्स को खोल लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ और इसे इधर रखता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह ऊपर की तरफ ही आपको स्मार्टफोन मिलेगा। इसको हटा लेते हैं, आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। पर एनीवे, फ़ोन के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसको ऑन करके मैं यहाँ पर साइड में प्लेस करता हूँ और मैं आपको इसका बाकी बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। इसको हटा लेते हैं और इसको हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ खास कंटेंट नहीं है इसमें। आपको एक ये पावर अडाप्टर मिलेगा, 5 वोल्ट 1.2 लिखा हुआ है इसके ऊपर। साथ साथ इसमें आपको ये माइक्रो USB केबल मिलेगी, यूज़र मैनुअल है, 12+1 मंथ्स वारंटी कार्ड और एक ये सिम इजेक्शन टूल। तो जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को मार्केट से ख़रीदेंगे ये सारी एक्सेसरी आपको इस फ़ोन के साथ मिलेगी। अब बात कीजिए इसके फर्स्ट इंप्रेशन की, तो डेफिनेटली फ़ोन आपको फर्स्ट लुक में ज़रूर पसंद आएगा और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज़ का स्मार्टफोन है, आपके हाथ में आसानी से फिट आ जाता है और यहाँ पर आपको कर्व्ड एजेस के साथ राउंड कॉर्नर्स मिल जाते हैं। साथ साथ आपको बता दूँ कि इसका जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट का है और आप इसको रिमूव कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा टाइट है। मैं आपको एक बार इसका बैक पैनल खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रिमूव करते ही आपको इसके 2 SIM कार्ड स्लॉट और 1 मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिख जाएगा, यानी आपको अलग सा मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है और आपको अपने सेकेंडरी सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3050 mAh की बैटरी दी गई है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते और यहाँ पर वार्निंग भी साफ साफ दी गई है। इसके अलावा आपको जो मैंने शुरू में बताया था कि मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर भी कंपनी ने मेंशन किया है कि ये एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। इसके अलावा अब हालांकि कंपनी ने इसे फुल विजन डिस्प्ले के तौर पे पेश किया है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको फिर भी थोड़े बड़े बेजल्स मिल जाते हैं। 5.5 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला इसमें डिस्प्ले दिया गया है। साथ साथ इसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का 6739 चिपसेट और एक बार मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 GB की रैम है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है, साथ साथ 13 MP का रियर कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है और 3050 mAh की बैटरी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा ये फ़ोन एंड्रॉयड ओयो पर चलता है और इस पर कंपनी खुद के हाई OS की लेयरिंग भी दी गई है। तो चलिए एक बार अब कैमरा टेस्ट कर लेते हैं जो कि छोटा सा डेमो है, हालांकि अभी कैमरा क्वालिटी को जज नहीं कर पाएंगे, पर फिलहाल देख लेते हैं कि आपको कैमरा कैसा मिल रहा है इस फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं कि शटर स्पीड फास्ट है, साथ साथ AI कैमरा भी लिखा है कंपनी ने, तो आपको कुछ AI फीचर्स मिल जाएंगे इसके कैमरा में। इसके अलावा अगर हम वीडियो की बात करें तो आप इसमें फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 8 MP का शूटर मिलता है विद LED फ्लैश लाइट और आपको फ्रंट में भी बोके मोड मिल जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट के वीडियो कैमरा की टेस्ट करें तो फ्रंट में भी आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको शुरू बताया था कि इसमें फेस अनलॉक फीचर भी दिया है। फिलहाल कैमरा क्वालिटी जो है इसकी अभी डिसेंट लग रही है, शटर स्पीड भी फास्ट है, पर हम आपको रिव्यू में ज़रूर बताएंगे कि इसका फ्रंट कैमरा कैसा है और रियर कैमरे की क्वालिटी कैसी है। ओवरऑल देखा जाए तो 7000 रुपये के बजट में ये एक डिसेंट स्मार्टफोन है और अपने स्पेसिफिकेशन की वजह से दूसरे फ़ोन को टक्कर देने की क्षमता भी रखता है, पर एक्चुअल में फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है वो तो इसके रिव्यू के बाद ही बचल पाएगा, अभी जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन और इसलिए यहाँ पर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। साथ साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप इस फोन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको किसी और फोन से कंपेयर करूं तो वो भी आप नीचे ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।